वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। बंदे के लिए मकाम बंदगी इतना कीमती है कि ये मकाम दे करके मैं खुदा होना भी कबूल नहीं करता, क्योंकि कोई खुदा होगा तो फिरौन जैसा खुदा होगा, नमरूद जैसा खुदा होगा। तो क्या कहा, मकाम बंदगी देकर नलू शाने खुदा बंदी। मूसा बंदे बने, दरिया में रस्ते पैदा हो गए, और फिरौन खुदा बना, गर्क कर दिया गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बंदे बने, आग गुलजार हो गई, इब्राहिम और नमरूद खुदा बना, लंगड़े मच्छर से हलाक। खुदा मत बनो, इसलिए कि खुदा होना एक ही की शान है, कोई नहीं हो सकता, किसी की शान नहीं है। अरे जिसको सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया, यहां तक कह दिया इन्ना आतैना कल कौसर, सब कुछ दिया, उसको भी कहा जब इतने ऊपर पहुंचे, ना जहां पर टाइम था, ना जहां पर मकान था, ना मकान है ना टाइम है, कुछ नहीं है वहां, बल्कि दुई की जगह भी नहीं है वहां, जिब्रील का गुमान भी नहीं जा सकता वहां। जब महबूब वहां पहुंचे तो अपने महबूब को अल्लाह ने क्या फरमाया, रसूल नहीं फरमाया वहां, नबी नहीं फरमाया, क्या फरमाया, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, वहां भी अब्द कह करके पुकारा। तो मैं अपनी बात समेटते हुए अर्ज करूं, ऐसे नबी जिसकी शान ये, जिसका मकाम ये, जिसका मर्तबा ये कि मौला अली उन पे नमाज कुर्बान कर रहे, और सिद्दीक अकबर उन पे जान कुर्बान कर रहे। जान से बड़ा फर्ज है उनसे इश्क करना, और सिद्दीक वो है जो इस उम्मत का, बड़ी उम्र लोगों का पहला मुसलमान है। हुजूर मुहद्दिस आजम के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुर्शिद फरमाया करते थे, मर्तबा हजरत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नबी के मुसल्ले पर खड़े होने वाला नबी के बाद पहला इमाम, सहाबा का इमाम, आशिकों का इमाम, इश्क मोहब्बत का इमाम सैयदना सिद्दीक अकबर गारे सौर के अंदर अपनी जान पे कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन रसूलुल्लाह ने जब सांप ने डसा तो उनको जान भी लौटाई, इनको नमाज भी लौटाई, लेकिन मसलक समझ में आ गया, क्या मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि गार में जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फरोज़ो गरर की है, और तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज पर, वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फ़ुरूब है, असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। हुजूर से इश्क करें, आका से मोहब्बत करें, सबसे ज्यादा अपनी जान से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा। एक आखिरी रिवायत का खुलासा अपने अल्फाज के जामे के मफहूम के अंदर पेश कर दूं, नबी से जब इश्क हो जाता है तो पाप, पाप समझते हैं ना, गुना, नबी ये पाक से जब इश्क हो जाता है तो पाप क्या चीज है, आदमी अपना बाप भी बहुत आसानी से छोड़ देता है। बस इसी पर मैं अपनी बात मुकम्मल कर, अगर हमसे गुनाह नहीं छूटते कहीं ना कहीं इश्क में नाकिस हैं, अगर हमसे इबादत नहीं होती हम कमजोर हैं, लेकिन जब इश्क सच्चा हो जाए तो पाप क्या चीज है, आदमी बाप छोड़ देता है। उसका खुलासा अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, एक बहुत मालदार खातून थी, मक्के में रहती थी, दुनिया उसको मलका तुजार कहती थी, वो उस नंगे धड़ंगे माहौल में भी तैयबा और ताहिरा के लकब से जानी जाती थी। पूरे मक्के में उससे बड़ा कोई मालदार नहीं था। अपने भतीजे से कहा जरा कुछ गुलाम खरीद करके ला। वो भतीजा गया और जाकर गुलाम खरीदने गया तो देखा कि एक बच्चा बिक रहा है। वो बच्चा ननियाल जा रहा था, डाकुओं ने उसको उठा लिया, उसके माँ बाप को मार पीट करके बच्चा छीन लिया, और उसकी खुशनसीबी ये थी कि बच्चे को मक्के के बाजार में बेचा जा रहा था। वो नन्ना सा बच्चा उस मलिका के भतीजे ने खरीद लिया, जाकर के पुप्पी को दे दिया, पुप्पी अम्मा ये बड़ा खूबसूरत बच्चा था इसलिए मैंने खरीद लिया। उस मलका तुजार ने पूछा इसका नाम क्या, कहा इसका नाम जैद है। अच्छा, चंद सालों के बाद उस मलिका की शादी हो गई बादशाह हुस्न से, तो उसने उस मलिका ने बादशाह हुस्न के सामने अपनी पूरी दौलत रख दी और सारे गुलाम और कनीजें खड़ी कर दी और कहा कि मैं भी आपकी कनीज, ये सब आपका। वो मलका हुस्न को दुनिया सैयदा तैयबा ताहिरा खदीजतुल कुबरा कहती है, और उस बादशाह हुस्न को दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह,
सब कुछ पेश कर दिया। वो जैद नाम का बच्चा जो अब जवानी की तरफ बढ़ रहा था, वो हुजूर के इतना करीब हो, अभी ऐलान नबूवत नहीं हुआ, जैद 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 जैद। एक दिन जैद हुजूर के पीछे पीछे जा रहे थे मीना में। जैद के गांव के लोग हज के लिए आए थे, घर गए। ओ हारसा, जिसके लिए आंखें रो रो के सुजाता है, रातों को सोता नहीं है, तेरा बेटा हमने एक हाशमी मुतलबी जवान है जिसको दुनिया मोहम्मद कहती है, उसके घर रहता है। और वो हाशमी और मुतलबी लोग हैं, वो लोग बड़े बामुरव्वत लोग हैं, जा और अपना बच्चा लेकर। जैद अपने भाई को साथ लेते हैं, मक्का आते हैं और हुजूर से मुलाकात करते हैं। हारसा कहते हैं, पहली बार मैंने मोहम्मद को देखा, देखता ही रह गया कि इतना खूबसूरत भी दुनिया में कोई हो सकता है। आका इतने खूबसूरत थे, अल्लाह अकबर। वक्त होता तो ये बात छिड़ती, लेकिन टाइम ख़त्म है, इसलिए इसको मैं यहीं रोक करके बस इतना कहूँगा। सहाबा कहते थे कि अगर कुरान बफर्ज़ मुहाल नाजिल ना भी होता तो हुजूर को इतना खूबसूरत बना के भेजा था अल्लाह ने कि लोग हुजूर ही को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते। और ये भी हुजूर का वो हुस्न नहीं था, ये याद रखना, ये हुजूर का वो हुस्न नहीं था जो हकीकत में हुस्न है, बल्कि अल्लाह ने गैरतों के हजारों पर्दे डालकर उनको छुपा के भेजा था। जब पर्दों में इतने खूबसूरत थे तो बेपर्दगी में हुस्न का आलम क्या हुआ। बल्कि उस पर एक रिवायत याद आ गई, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बार आए, आने के बाद सरकार ने कहा, जिब्रील तू बड़ा खूबसूरत है और बड़े खूबसूरत रूप में आता है, जरा एक मर्तबा इन पर्दों को हटा और अपनी असली खूबसूरती मुझे दिखा देंगे तो कितना खूबसूरत। उन्होंने सारे पर खोल दिए, कहा जाता है कि 70,000 पर थे उनके, और अपना हुस्न हुजूर को दिखा दिया। जब अपना दिखा दिया तो कहने लगे, हमने तो अपने पर से पर्दा हटाया, अब आप भी जरा हटाएं और आप भी जरा अपना असली हुस्न दिखाएं, मैं जिब्रील तू नहीं देख सकेगा। अंदाजा करें, जिसे जिब्रील ना देख सके उसे कौन देख सके। ऐसा नबी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, अल्लाह अकबर। जो जान लेगा बस वो जान लेगा। तो सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बारे में हारसा कहते, इतने खूबसूरत थे मैं देखता ही रह गया। और क्या देखते रहे, हर हुस्न में कहीं ना कहीं कमी है, लेकिन एक हुस्न मुस्तफ़ा ऐसा है कि वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और यही जलवा शहर बशहर है, यही असल आलम दैर है, यही लैर है, यही बैर है, यही पाठ है, यही धार है। क्या हुस्न है, क्या हुस्न है सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिब दीदार तुम्हारा, और क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। तो कहा जाओ ले आओ अपने बच्चे को। आए और आकर कहते, हाशमी मुतलबी जवान, मैंने सुना है कि मेरा बेटा जिसका नाम जैद है वो आपके पास है, बहुत बड़ी रकम लेकर आया हूँ, ले ले मेरा बच्चा, मुझे वापस कर दे। मेरे आका ने नबूवत का ऐलान नहीं किया था अभी, फरमाया हारसा अगर तेरा बेटा तुझे पहचान ले और जाने के लिए तैयार हो जाए, हमें रकम की जरूरत नहीं है, ले जाओ। अगर एक बेटा अपने बाप से मिलता इससे बड़ी रकम क्या हो सकती, ले जाओ अपने बेटे को। आवाज दी, जैद इधर आओ। जैद आए, जी आका। का ये कौन है, पहचानते हो? जी ये मेरे अब्बा हैं, वो मेरे चचा हैं, ये तुम्हें लेने आए हैं। जैद हुजूर के पीछे छुप गए, मैं नहीं जाऊंगा। तवज्जो, ऐसी मैं बात पूरी कर रहा हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। फिर क्या हुआ, सरकार ने फरमाया ये तुम्हें लेने आए हैं। कहा मैं नहीं जाऊंगा। बाप ने कहा जैद गुलामी, गुलामी को तरजीह दे रहा है आजादी पर, और मैं तुझे आजाद कराने आऊं बेटा, तेरे लिए रो रो कर आंखें सुजाई है, रातों को बिस्तर पे तड़पा हूं, अब तू मिला है तो आने को इनकार करता है। जैद ने कहा वल्लाह प्यार बाप वो मुझे नहीं दे सकता जो मेरे इस आका ने मुझे प्यार दिया है, मैं इनको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बाप तो छोड़ सकता हूं, इनको नहीं छोड़ सकता। आपसे पूछना चाहता हूं, एक बच्चे को अगर प्यार हो जाए नबी से, हालांकि अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ, वो नबी के इश्क में अपना बाप छोड़ रहा है, अगर हमसे औरतों से नाजायज ताल्लुकात नहीं छूटते तो हम कौन से आशिक हैं, अगर हमसे शराब नहीं छूटती तो हम कौन से आशिक हैं, अगर हमसे गुनाह नहीं छूटते तो हम कौन से आशिक हैं। इश्क बच्चे को हो जाए तो वो बाप छोड़ने तैयार हो जाए, पाप क्या चीज है। हम बाप तो छोड़ने का हुक्म है भी नहीं इस्लाम में, लेकिन हम पाप भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मगर जब जैद ने कहा मैं नहीं आऊंगा आपके साथ, आप चले जाएं, तो पता है क्या हुआ,
फिर मेरे नबी ने एहसान का बदला क्या अता फरमाया, कुर्बानी का सिला क्या दिया। जैद ने नबी के लिए अपना बाप छोड़ा, तो सरकार ने बताया मक्के वालों गवाह हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि सैयद अमीनुल कादरी साहब की तकरीर बहुत ज़्यादा उम्दा होती है। लोग सैयद साहब की तकरीर सुन कर के जो है अपने गुनाहों से तौबा कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करने में लग जाते हैं। नबी अकरम रहमत आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत करने लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न जाने कितने लोगों ने अपने बड़े बड़े गुनाह अजीम से तौबा करके लोग नेक बन चुके हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी इसमें हिस्सा हो तो आप भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी जो है इन कीमती वीडियो से फ़ायदा हासिल कर लिया करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।